था उस परिसर में जाने का वो जी आज वो पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है, अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो अध्यक्षाने पूजा करने जरूर जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर देखिए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो। 1993 में उससे पहले पूजा पाठ होती थी, तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम डाले के आदेश के। एक उसमें मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया ब्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इतिहाम में अबलात कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और इसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि हम प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उस पर दूसरा रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन तियामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई, आज न्यायालय ने उस पर स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर ऊपर टीका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। कोई लिखित आदेश नहीं था, अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहाँ भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ही है, आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिन का अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन का अंदर मतलब 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। देखिए देखिए जो आदेश है इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे, बादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी हो सकता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाए, कुछ जरूरी था क्योंकि उसी में तो सारा चीज मिला था, उसी में विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियाँ थे सब ब्यास जी के तहखाने से मिली थी, शिवलिंग में ब्यास जी के तहखाने से मिला था, इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को ब्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। हाँ तो एक हफ्ता में पूरी तैयारी हो जाएगी, हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे, जिला प्रशासन जिलाधिकारी से मिलके हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे। अरे 30 साल से बंद था वहाँ पे पूजा, 30 साल से बंद था, अब जाके मतलब नंदी भगवान का प्रतीक्षा भी पूरा हो रहा है, दिन ब दिन पूरा होता जा, एक एक सीढ़ी हम लोग चढ़ते जा रहे हैं, आज हम लोग की सबसे बहुत बड़ी जीत है सर्वे के बाद की। 1993 से जो ब्यास जी के तहखाने में ब्यास जी को कब्जे से मुक्त करके धार्मिक क्रियाओं पर रोक लगा दिया था तत्कालीन सरकार ने, उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार ब्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए और एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लेन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे, इसको कंप्लेन करे, ऐसी मांग हम लोगों की है। बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी, अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो कोर्ट के आदेश को कंप्लेन कैसे किया जाए इस पे जिला प्रशासन से बात होगी। नहीं अब रिटर्न आदेश आ गया, अब तो आ ही गया रिटर्न आदेश, रिटर्न आदेश में कोर्ट ने कहा है कि भाई आदेशित किया है कि इसको कंप्लेन करिए, पूजा पाठ वगैरह जो स्थिति थी 1993 की उसको पुनः जो है बहाल कर दिया जाए।